सूबे में एक तरफ चल रही सियासी भगदड़ चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती के बेरोजगार अभ्यर्थी सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि अनेक चौखटों पर गुहार लगाने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थी भाजपा सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बार बार फोन कर न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। मंत्री जी इस बात से इस कदर परेशान हो गए हैं कि एक अभ्यर्थी के फोन करने पर वह उस पर न सिर्फ झल्ला पड़े बल्कि फोन समेत सोशल मीडिया अकाउंट तक को बंद करने की धमकी दे डाली। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग उस पर जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती हूँ सर, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ सर। तो व्हाट्सएप तो हमने बंद कर दिया है, आप क्या चाहते हो ये नंबर भी बंद कर दूं? तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया, इतने बदतमीज हो, ये नहीं सोचते हो कि कोई आदमी दिन भर कैसे फोन उठा सकता है, मैसेज कर सकता है? चुनाव आचार संहिता चल रही है, कोविड की स्थिति इतनी खराब है, 69,000 रटे हुए हो। व्हाट्सएप मैंने अभी बंद कर दिया तुम लोगों के नाते, और ये नंबर भी बंद कर दूंगा। आप सर हम बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सर। आपको बता दें भाजपा सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो चरणों में क्रमशः 68,500 और 69,000 पदों पर भर्ती की थी, लेकिन दोनों भर्तियां कई आरोपों के चलते विवादों में रहीं। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 68,500 के बचे 22,000 पदों को 69,000 में जोड़कर बचे अभ्यर्थियों का समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए समय समय पर लगातार धरने के अलावा अनेकों नेताओं की चौखट पर जा जाकर न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की सुनवाई किसी ने नहीं की। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की, लेकिन अभ्यर्थियों को यह बात नागवार गुजरी। अभ्यर्थी लगातार 22,00,000 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष 97,000 पदों की भर्ती की मांग को लेकर लगातार धरना देते रहे, लेकिन सरकार चुनावी आचार संहिता लागू होने तक नोटिफिकेशन नहीं दे पाई। अभ्यर्थियों ने हताश होकर धरना तो शांत कर दिया, लेकिन अब वह अपनी बात रखने के लिए कभी ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं तो कभी मंत्री जी को फोन कर अपनी मांग कर रहे हैं। मंत्री जी के जवाब को देखते हुए यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि अभ्यर्थियों का यह रोष चुनाव में भाजपा के गले की फांस न बन जाए।